दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ओडिशा से हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ओडिशा एक ऐसा स्टेट जिसमें कदम रखते ही पैसे की बरसात हो जाएगी, क्योंकि इनके पास इतने प्रोडक्ट हैं और ऐसे प्रोडक्ट जो बल्क में सारे विश्व को चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट में मैं तो छा जाऊंगा और कमा जाऊंगा। तो सबसे पहले ओडिशा के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और उसके साथ साथ प्रोडक्ट सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, उसके साथ साथ बायर को वेरीफाई कैसे करना है ये सीखना चाहते हैं, और कौन से प्रोडक्ट में काम करना है कौन से प्रोडक्ट में काम नहीं करना, 25,000 में कैसे काम शुरू करना है ये, और जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं वो कैसे डाल सकते हैं, कौन सी होनी चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सी होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान देते हैं, सिखाते हैं ऑलरेडी, और सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं तो देखिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए, फ़ायदा आपका है। चलिए आगे बात करते हैं, ओडिशा से हम कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स और ओर्स की। ओडिशा की बात करें तो आयरन ओर आपको मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, बॉक्साइट आपको मिल जाएगा, मैग्नीज आपको मिल जाएगा, क्रोमाइट आपको मिल जाएगा, लाइमस्टोन ओडिशा में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ स्टील, अल्यूमिनियम, सीमेंट और पावर जनरेशन का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ओडिशा में होता है। यानी ये मान के चलिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर आपको ओडिशा में मिलेंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बल्क में ऑर्डर आएगा मिनरल्स का। पहली चीज़, वो लोग जो मिनरल्स में काम करना चाहते हैं भाई 10 से 20 लाख रुपए मिनिमम चाहिए तभी काम हो पाएगा। 25,000-50,000 वाले प्रोडक्ट अलग है, कोई भी मिनरल आपसे 50,000 लाख रुपए का नहीं लेगा, ये ध्यान में रखिए, हम भी नहीं लेते, कोई भी नहीं लेगा, तो गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स, आयरन और स्टील के जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको ओडिशा से मिलेंगे, क्योंकि ओडिशा क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है आयरन और स्टील प्रोडक्ट का। तो किसी भी तरीके का आयरन और, पिक आयरन, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, बार्स, रॉड्स, स्ट्रक्चरल स्टील, ये सारा कहाँ से मिलेगा, ये सारा मिलेगा ओडिशा से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम इंगॉट्स, रॉड्स, शीट्स, फॉइल्स और जितने भी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं कहाँ से मिलेंगे, ओडिशा से। उसके बाद आते हैं सी फूड पे, सी फूड में क्या क्या मिलेगा, सी फूड में मिलेगा श्रिम्प्स, प्रॉन्स, फिश, क्रैब, लॉबस्टर, कहाँ से मिलेगा, ओडिशा से। और एक चीज और, अगर सी फूड में डील कर सकते हैं तो ये भी फायदे का सौदा है, बहुत अच्छा मार्जिन है, लेकिन सी फूड में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास ज़्यादातर पूरे कंटेनर का ऑर्डर आता है। खुद बताइए, कोई 2 किलो मछली आपसे थोड़ी ना मंगाएगा, 2 किलो क्रैब थोड़ी ना मंगाएगा, भाई साहब मेरे को अमेरिका बैठा हूँ 2 किलो क्रैब भेज दो, पॉसिबल है, नहीं है। प्रैक्टिकली समझिए, तभी हम कहते हैं अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो हर सर के पास तो आना ही पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर नोट कर लीजिए, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, चॉइस आपकी है, दोनों लाइव क्लासेस होती हैं, खुद सामने बैठ के एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, घबराइए मत और काम शुरू करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओडिशा में, ओडिशा में टेक्सटाइल और हैंडलूम्स की अगर बात करूँ, टेक्सटाइल में सिल्क साड़ी ओडिशा से एक्सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। इकत फैब्रिक्स, हैंड वोवन टेक्सटाइल्स, जितना एक्सपोर्ट करना है करिए, अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। एग्रो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स में मैंगोस, बनानास, कैश्यू नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और टी, सब एक्सपोर्ट कर डालो, अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। एग्रो प्रोडक्ट्स के बाद और किसमें हमें काम मिलेगा, किसमें ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत हैं ओडिशा के अंदर, तो वहां से आप प्रोडक्ट परचेज करिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आइटम्स, मेटल बेस्ड आइटम्स हो गई, ब्रास की हो गई, एक बहुत फेमस है वहां पे बेल मेटल आइटम करके, वो बहुत फेमस है, स्टोन कार्विंग हो गई, टेरिकॉटा प्रोडक्ट्स हो गए, पाम लीफ से रिलेटेड बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करते हैं, तो यहां से आपको मार्जिन मिलेंगे मिलेंगे, ये प्रोडक्ट्स ही पैसा कमाने के लिए बने हैं।
केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो कास्टिक सोडा, सोडा एश, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये आपको सारे के सारे कहां से मिल जाएंगे? ओडिशा से मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट कर दो और पैसा कमा लो। आईटी और आईटी सर्विसेज की बात करूं तो ऑलरेडी यहां से भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा है सर्विस सेक्टर का, तो सर्विसेज में भी डील करते हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ओडिशा का सबसे ज्यादा फायदा यह है। अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं तो स्पाइसेस में टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर, चिली पेपर, ये आपको ओडिशा से मिल जाएगी, तो ये भी फायदा है। अगर आप शुगर केन एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। शुगर केन आपको कहां से मिल जाएगा? ये गंजम से मिल जाएगा, कटक से मिल जाएगा, संबलपुर से मिल जाएगा, तो ये भी आपको फायदा है। कैश्यू, कैश्यू में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस, बड़ा प्रोड्यूसर है ओडिशा, तो कैश्यू भी आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, अब ओडिशा में कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो मुझे हेल्प करेगी? तो यहाँ पे मैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी, यानी ओडिशा की जो स्टेट है, स्टेट वाइज भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा। अब वेबसाइट नोट कर लीजिए, DEPM ओडिशा, तो ये वेबसाइट है डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग, इसकी फुल फॉर्म DEPM की। तो यहाँ से आप जाइए, यहाँ से आपको ओडिशा की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक है वेबसाइट OSIC, जिसमें ओडिशा स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IDCO ओडिशा, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर है ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, OSFC, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद है ओडिशा मिनरल्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टील एंड माइल्स, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर है ओडिशा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, OSPC भी, तो जहाँ से आपको अगर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल लाइसेंस चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी तो रास्ता बताओ, कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू करूँ, कैसे प्रोडक्ट खरीदूँ, और ओडिशा में कहाँ से खरीदूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदूँ? चलो, अब जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, होलसेल मार्केट कौन कौन सी है ओडिशा की। होलसेल मार्केट है भुवनेश्वर मार्केट, BMC मार्केट इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जहां से आपको ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल और कंज्यूमर गुड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर है यूनिट 4 मार्केट कॉम्प्लेक्स, यहां से आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, इवन यहां से जितना भी जो होटल इंडस्ट्री का सामान है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का सामान है, वो ज़्यादातर यहां आपको मिलेगा। मोस्टली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट टारगेट करते हैं तो इस मार्केट में चले जाइए, कम इन्वेस्टमेंट में आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है भुवनेश्वर फिश मार्केट, अब जैसा कि नाम है इसको चंद्रशेखरपुर फिश मार्केट भी बोला चाहते हैं, जहाँ पे आपको सी फूड मिल जाएगा, स्पेशली फिश अच्छी खासी मिलेगी। उसके बाद है भुवनेश्वर सब्जी मंडी, जिसको हम कहते हैं यूनिट 2 वेजिटेबल मार्केट भी कहते हैं, यहाँ से भी आपको अच्छे खासे वेजिटेबल मिल जाएंगे। उसके बाद है कटक होलसेल वेजिटेबल मार्केट, जिसको बीजू पटनायक उद्यान चका भी बोलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कभी कभार क्या होता है, जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं तो कई बार क्या होता है, स्टेट और जैसे स्टेशंस का आजकल बहुत जल्दी से नाम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम आपसे पहले ही माफ़ी मांगते हैं अगर हमसे किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं वीडियो लेट आया, उससे पहले नाम चेंज हो गया, हमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए सबसे पहले इस चीज़ को एक छोटी सी गलती समझ के आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसके बाद पहुंच जाइए संबलपुर होलसेल क्लोथ मार्केट, जिसे कचेरी चौक भी बोला जाता है, जहां पे आपको अलग अलग फैब्रिक्स, गारमेंट और टेक्सटाइल में अगर आप डील करते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें कौन कौन से पोर्ट जो ओडिशा में है, जो वर्किंग कंडीशन में है, तो वो है पारादीप पोर्ट, जहाँ से सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का काम होता है, हर तरीके के कंटेनर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, प्लस मिडल ईस्ट, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ से सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। उसके बाद है दूसरा धर्मा पोर्ट, यहाँ से भी आप इस पोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर FCL कार्गो में
के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद है गोपालपुर को पोर्ट, तो गोपालपुर पोर्ट में आपको बल्क कार्गो भी इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादातर गोपालपुर पोर्ट से आयरन ओर वगैरह, मिनरल्स वगैरह ये ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो एक इनलैंड कंटेनर डिपो है बालासोर करके, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक है झारसुगुड़ा, ये भी एक आईसीडी है, इनलैंड कंटेनर डिपो है, तो इसका भी आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर सिटीज़ की अगर बात करूँ तो भुवनेश्वर बहुत ही फेमस है, इसको टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कटक से भी अच्छा काम हो रहा है, पुरी से अच्छा काम हो रहा है, राउरकेला से अच्छा काम हो रहा है, संबलपुर से अच्छा काम हो रहा है, बेरमपुर से अच्छा काम हो रहा है, और ये बलासोर से अच्छा काम हो रहा है, और ये झारसुगुड़ा से भी अच्छा खासा काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात करूँ, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा की मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ कहाँ है, तभी तो हम जाएंगे काम करेंगे और अपना प्रोडक्ट परचेस करेंगे। बल्क में जिन लोगों को परचेस करना है, सस्ते रेट पे परचेस करना है, उड़ीसा की मैन्युफैक्चरिंग हब बताते जा रहा हूँ। अब उड़ीसा की मैन्युफैक्चरिंग हब है तालचेर अंगूर रीजन में। अब यहाँ पे क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स बहुत मिल जाएंगे आपको, स्टील के प्लांट्स बहुत मिल जाएंगे, कोल्ड बेस्ड इंडस्ट्री बहुत मिल जाएगी, कोल माइनिंग का काम होता है, पावर जनरेशन का काम होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का काम होता है। फिर है झारसुगुड़ा संबलपुर रीजन, यहाँ पे भी आपका मेजर काम इन्हीं प्रोडक्ट्स का होता है, रिफाइनरीज आपको मिल जाएंगी, केमिकल इंडस्ट्रीज भी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है कलिंगा नगर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको स्टील के प्लांट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप स्टील, आयरन ओर या इन सब चीज़ों में, मिनरल्स में काम करते हैं तो फ़ायदा है। राउरकेला रीजन, यहाँ पर आपको बहुत एक इंडिया की बहुत फेमस इंडस्ट्री है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी भी यूनिट आपको दिख जाएगी। सीमेंट का काम यहाँ अच्छा खासा होता है, पावर जनरेशन का काम अच्छा खासा होता है। उसके बाद है भुवनेश्वर कटक रीजन, तो यहाँ पे भुवनेश्वर कटक रीजन में से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अच्छा होता दिखेगा, आईटी का काम अच्छा दिखेगा, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था उड़ीसा। हर स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं आप, अपनी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी स्टेट का नाम टाइप करिए, जो भी क्वेश्चन है आपका, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप लाइक करते हैं, हमें लगता है हमारी मेहनत सफल हुई। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो वो बिना सब्सक्राइब के क्यों जा रहे हैं ये भी ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I'm not afraid to